नमस्कार। बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा के संबंध में आज एक पोस्टर विमोचन कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मैनेजमेंट टीम के सदस्य और पत्रकार बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस बोर्ड परीक्षा से पूर्व परीक्षा के संबंध में तथा पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के संबंध में आज विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे। तो इस जानकारी को आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आरसीआई एजुकेशन हब के डायरेक्टर डॉक्टर विजय सर से कि वो सभी दर्शकों को इसे बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा के संबंध में और पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के संबंध में समस्त जानकारी देने की कृपा करें। नमस्कार। सबसे पहले सभी न्यूज चैनल से पधारे हुए सभी भाइयों का आरसी एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा 2024 के आज पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विद्यार्थी हाफ ईयरली परीक्षा देने के बाद किसी भी क्षेत्र का हो, परीक्षा से पहले अपनी परीक्षा की तैयारी कैसी हुई इसको उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरसी एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा 2024 का एक बहुत बड़ा आयोजन करवाया जा रहा है। यह आयोजन कोटपुतली, बानसूर, मुंडावर और नारायणपुर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क किया जाएगा। इस परीक्षा में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के सभी विद्यार्थी निःशुल्क भाग ले सकते हैं। इसमें कक्षा 10वीं के लिए जो हमने सब्जेक्ट चूज किए हैं वो इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, इसके कुल 100% आएंगे। इसी प्रकार कक्षा 12वीं साइंस के लिए 50% फिजिक्स के और 50% केमिस्ट्री के आएंगे। इस प्रकार से 100% का 1.5 घंटे का ये पेपर आयोजित करवाया जाएगा। इस पेपर में मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कंप्लीट जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी बेस होगा। एनसीईआरटी जिससे विद्यार्थी को तैयारी करनी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का है या आरबीएसई बोर्ड का है, उसको समस्त जो पेपर उसके आने जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस होते हैं। इसलिए इस एग्जाम का बेस हमने एनसीईआरटी रखा है। ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम के लिए हमने जो सेंटर बनाए हैं वो सभी क्षेत्र में, जैसे कोटपुतली, मुंडावर, नारायणपुर, बानसूर, सभी क्षेत्र के अलग अलग सेंटर हैं, जो आपको हमारे फेसबुक पेज या फिर ये जो चैनल्स अपने सभी हैं इनको मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यहाँ हमारा इसका लिंक मिलेगा, उस पर आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में विद्यार्थी भर सकते हैं। यदि उस जो भी हमने क्षेत्र चूज किया है कोटपुतली, उसके ऑफलाइन फॉर्म भरने के सेंटर बनाए गए हैं। नारायणपुर, मुंडावर, बानसूर जो है इसके भी ऑफलाइन फॉर्म भरने के हमने सेंटर्स बनाए, वहां से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थी को 8444094640 84494640 इस मोबाइल नंबर को सेव करके इस पर आरसीए लिखकर व्हाट्सएप कराना होगा, जिससे तुरंत उनके पास से इससे संबंधित लिंक आएगा। उस लिंक को ओपन करें और फॉर्म भर सकते हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसके फॉर्म भरने के लिए हमने बहुत अधिक समय विद्यार्थियों को दिया है। लंबे समय में हमने 31 जनवरी 2024 तक विद्यार्थी इससे संबंधित फॉर्म भर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज ऑफलाइन या ऑनलाइन में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज विद्यार्थी को नहीं देना है। परीक्षा जो होगी वो 4 फरवरी को, यानी रविवार 2024 को 12 बजे से 1.5 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों का रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगा वो 11:15 बजे का रहेगा। इसके अलावा परिणाम और सम्मान समारोह जो है, इससे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी, विद्यार्थी जो अपना फॉर्म भरेगा उस पर जो उसका व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर होगा उस पर इसकी विस्तृत जानकारी हम फोन के माध्यम से विद्यार्थियों को देंगे। मैं इस एग्जाम से संबंधित समस्त क्षेत्रवासियों को, चाहे वो चारों तहसील में किसी भी क्षेत्र के अभिभावकों, सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बेटे या बेटी के बोर्ड कक्षाओं के हुनर को जानने और पहचानने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इस निःशुल्क जो परीक्षा का आयोजन आरसी एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से करवाया जा रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट करवाएं। निश्चित है किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई असुविधा महसूस होती है तो हमारे
जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाएंगे उस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए आरसीआई एजुहब बानसूर का फेसबुक पेज आप सर्च करते रहें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आप सब जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।